नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की। कल हमने अगेन एक रेंज बाउंड मूवमेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी में देखा। हमने देखा कि स्पाइसेस के अंदर ट्रेंड साइडवेज रहा, हालांकि लोअर लेवल पे कुछ खरीदारी देखने को मिली। तो मसालों के अंदर आज भी एक ट्रेंड पॉजिटिव देखा जा सकता है। जीरा में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, सपोर्ट 14,200, रेजिस्टेंस 14,750। टर्मरिक सपोर्ट 7,80, रेजिस्टेंस 7,270। कोरिएंडर सपोर्ट 7,930, रेजिस्टेंस 8,120। वहीं अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो वहाँ पर त्योहारी मांग के चलते खरीदारी देखने को मिली है। तो यहाँ पे सोयाबीन आरएमसीड रिफाइंड के अंदर खरीदारी देखने को मिल सकती है। सोयाबीन सपोर्ट 5600, रेजिस्टेंस 5830। रिफाइंड सोया सपोर्ट 1350, रेजिस्टेंस 1380। आरएमसीड सपोर्ट 8400, रेजिस्टेंस 8630। क्रूड पाम ऑयल सपोर्ट 1170, रेजिस्टेंस 1202। वहीं अगर हम कॉटन कपास की बात करें तो अगेन लाइफ टाइम हाई हमने कॉटन कपास कुकुर में बनते हुए देखा। एक्सपेक्टेड है कॉटन के भावों में अगेन तेज़ी देखी जा सकती है। यहाँ पर सपोर्ट 29,200, रेजिस्टेंस 30,500। कपास सपोर्ट 1520, रेजिस्टेंस 1690। कॉटन सीड ऑयल के सपोर्ट 2560, रेजिस्टेंस 2840। तो कॉटन पैक के अंदर कुकुड़ के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। फिजिकल मार्केट में अराइवल कम होने की वजह से कॉटन में तेजी देखने को मिल रही है, और साथ में ज़्यादा बारिश होने की वजह से कॉटन की यील्ड में कुछ फ़र्क देखने को मिला है, कुछ कमी देखने को मिली है, जिससे हमें भावों में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं ग्वार सीड ग्वारगम की बात करें तो यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिला। ग्वारगम में सपोर्ट 9,800, रेजिस्टेंस 10,450। ग्वार सीड सपोर्ट 5,800, रेजिस्टेंस 6,040। तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। तो आज के लिए अगर हम देखें तो ग्वार सीड ग्वारगम में खरीदारी की जा सकती है। कॉटन सीड ऑयल केक और कॉटन के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। मसालों के अंदर भी आज के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं रिफाइंड सोया, क्रूड पाम ऑयल और सरसों के अंदर भी तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। आशा करते हैं आपको इस जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।